हाय, हाल ही में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात हुई, वाक्य हुई, और मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है कि मुझे इसे आप लोगों से शेयर करना चाहिए। मेरी एक दोस्त है पूजा, उनसे मैं बहुत टाइम के बाद मिली और बातों में उन्होंने मुझे एक बहुत ही सरप्राइजिंग सी बात बताई, जिसे मैं अभी सोच रही थी और मुझे लगा कि आप सभी से मुझे इसे शेयर करना चाहिए। पूजा बता रही थी कि बहुत साल पहले उनके एक रिश्तेदार थे और अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें ब्लड डोनर की ज़रूरत पड़ी। ये हमारे ही देश में एक फैमिली एक जगह से बिलोंग करती है ये स्टोरी। तो उस वक्त, क्योंकि ये बहुत साल पहले की बात है, उस वक्त लोगों को ब्लड डोनेशन के बारे में इतना नहीं पता था, इतना तो मैं समझती थी। लेकिन जब पूजा ने मुझे ये बताया कि उस वक्त लोग ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि ब्लड के भी ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स होते हैं और उनका भी कोई ग्रुप है, ये बात नहीं पता थी। और आप समझ सकते हैं कि ब्लड डोनर ढूंढने के लिए ब्लड ग्रुप की कितनी महत्व है, कितनी इम्पोर्टेंस है। यानी कि अगर ब्लड ग्रुप ही ना पता हो हमारे कम्युनिटी में, तो आप सोचिए कि कैसे, मतलब कैसे आप ब्लड डोनर ढूंढेंगे। तो बस वैसे ही कुछ हालात था उस वक्त। और बिल्कुल पूजा ने बताया कि दुर्भाग्य से उनकी उन रिश्तेदार के लिए तो उस वक्त ब्लड डोनर नहीं मिले। पर मैं ये स्टोरी आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आज भी, हालांकि उस वक्त से अब तक बहुत लोग इस बारे में जागरूकता, लोगों ने काम की है जागरूकता पे और बहुत लोगों ने अपना ब्लड डोनेट किया है, लोग अवेयर हुए हैं, बट आज भी इससे मिलता जुलता बहुत ही एक जो सिचुएशन है, मुझे लगा मुझे शेयर करना चाहिए। यदि आज के वक्त 2021 की बात कर रही हूँ मैं, कि बहुत सारे पेशेंट्स जिन्हें ब्लड स्टेम सेल डोनर की ज़रूरत होती है, उनके जैसे ब्लड ग्रुप एक क्राइटेरिया होता है मैच के लिए, वैसे यहाँ पर एक्चुअली ग्रुप क्राइटेरिया होता है अपना ब्लड स्टेम सेल डोनर ढूंढने के लिए। और बिल्कुल आपको भी शायद नहीं पता होगा कि मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है कि हमारे समाज में कि एक्चुअली ग्रुप क्या होता है। तो बस वही हालात है और इसीलिए मुझे अजीब सा लगा ये स्टोरी सुनकर कि ये बहुत साल पहले की स्टोरी है, लेकिन बहुत सुना सा लग रहा है। हम समझ चुके हैं, बट आगे क्या। तो दात्री, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट रजिस्ट्री है, वो एक डेटाबेस बना रही है जिसमें सारे लोग अपना एक्चुअली रिपोर्ट सबमिट करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, ताकि कोई भी पेशेंट जिसे अपना डोनर, जिसे ब्लड स्टेम सेल डोनर की ज़रूरत है, वो अपना एक्चुअली रिपोर्ट सबमिट करके अपना डोनर ढूंढ सकता है। और दात्री इस पूरे जर्नी में हेल्प करती है। ये हमारे सारे उन लोगों के लिए जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, इंडियन एथनिक से बिलोंग करते हैं, यदि आप इंडियन हैं, इंडियन एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं, तो अब नहीं तो कब इस बारे में जानिए, अपनी फैमिली, अपनी समाज, अपनी कम्युनिटी में अवेयरनेस क्रिएट करिए। दात्री की वेबसाइट www.datri.org पर जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप रजिस्टर करना चाहते हैं एज अ ब्लड स्टेम सेल डोनर, आप www.datri.org/join पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। और इस चलती हुई कहानियों को रोकते हैं, क्योंकि हमारी अवेयरनेस जिस भी पेस में चल रही हो, बट इन सब के बीच में वो पेशेंट्स हैं जो वेट कर रहे हैं, और शायद हमारा एवरी सिंगल एफर्ट किसी पेशेंट की को मदद कर सकता है किसी तरीके से। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।